सनी देओल, दुलकर सलमान, पूजा भट्ट, स्टारो फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन इस फिल्म के साथ इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि आर बाल्की ने ऐसा क्या किया जो आज तक इससे पहले कभी सिनेमा में नहीं हुआ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सनी देओल, दुलकर सलमान और श्रेया धन्वंतरी, पूजा भट्ट, स्टार ऑफ फिल्म चुप 23 सितंबर को रिलीज हुई। हमेशा फिल्म रिलीज होने से पहले उस फिल्म को क्रिटिक्स को दिखाई जाती है ताकि उनकी राय लोगों तक टाइम पर पहुंच जाए। लेकिन आर बाल्की ने क्रिटिक्स से पहले अपनी फिल्म को जनता को दिखाया और वो भी बिल्कुल फ्री। इसे चुप पब्लिक फ्री रिव्यू कहा जा रहा है। ये स्पेशल चुप फ्री रिव्यू 20 तारीख को मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, दिल्ली, कोची, कोलकाता और हैदराबाद में रखा गया, जिसके टिकट सिर्फ 10 मिनट में ही बुक हो गए। इस फिल्म की कहानी जानने के बाद आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि इस फिल्म को क्रिटिक्स को दिखाने से पहले आर बाल्की ने लोगों को क्यों दिखाई। ये फिल्म एंटी क्रिटिक है, यानी कि ये फिल्म बहुत सारे फिल्म समीक्षकों को चुभ सकती थी। इसीलिए चुभ के मेकर्स चाहते थे कि दर्शक इस फिल्म को पहले देखें और वो अपनी राय कायम करें, फिर वो राय दूसरों के साथ शेयर करें, जिसे वर्ड ऑफ माउथ कहा जाता है। आर बाल्की के फ्री रिव्यू कैंपेन के दौरान दो चीजें हुई। एक तो इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हुई, लोगों ने इस फिल्म के बारे में एक दूसरे से बातचीत की। दूसरी चीज, लोगों ने फिल्म देखने के बाद अपना ओरिजिनल ओपिनियन सामने रखा। इसीलिए आर बाल्की के इस आइडिया को हिंदी सिनेमा के घिसे पिटे फॉर्मूले से हटकर बहुत क्रिएटिव माना जा रहा है। इस फिल्म की बात करें तो चुप फिल्म में एक आदमी है जो सभी क्रिटिक्स को मार रहा है, जो फिल्मों को कम स्टार देते हैं, जो फिल्मों को बुरी बताकर खारिज कर देते हैं। कुछ लोग ये काम ईमानदारी से करते हैं, यानी उन्हें फिल्म देखकर जैसा लगता है वैसा लिख देते हैं। सो चुप फिल्म का किलर दोनों में कोई फर्क नहीं करता है और वो उन्हें मारकर शरीर पर स्टार का निशान बना देता है। सो कुछ इस तरह से है फिल्म और आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री के ओर से सौगात। डाउनलोड कीजिए एक शॉर्ट मनोरंजन न्यूज ऐप, अभी उपलब्ध है एंड्रॉयड और iOS में भी।